नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ के लिए, स्पेशली यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिशन में टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा ही अहम है, क्योंकि सिंटेक्स इंग्लिश की वो बैकबोन है। किसी भी कंपटीशन में जहां पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है, उसे सिंटेक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, एक नया मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं आज। अच्छा लगे तो कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं, कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। ये मेथड है कि हम हर सेंटेंस को जब सॉल्व करेंगे तो एक रूल जरूर बताएंगे। तो ना सिर्फ आप इसे सॉल्व करेंगे बल्कि नए नए सिंटेक्स के रूल्स भी सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, एंड हिट हर विद अ स्टोन। तो रूल नंबर वन यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि डॉग जो है वो एक छोटा सा जानवर है, इसके साथ शी या हर का यूज नहीं करेंगे बल्कि यहां पर इट का यूज करेंगे। गॉट इट, और करेक्शन हो गया। नंबर टू, लुक एट द ग्रास, घास की ओर देखिए, यहां पर घास की बात हो रही है। ये हमेशा सिंगुलर नंबर या एक वचन में आएगी, तो यहां पर दे का यूज नहीं करेंगे बल्कि इट और इट के साथ इसका यूज करेंगे। अब नेक्स्ट रूल, ऑल दीज बुक्स आर फॉर के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका यूज होता है, सब्जेक्टिव केस का नहीं। तो फॉर के बाद मी आएगा ना कि आई आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज हर्स हैंड राइटिंग, ऐसे में कभी हर्स नहीं आएगा, सिर्फ हर आएगा। तो अपने आप में ये करेक्ट हो गया, कितना सिंपल था। ही इज ब्रेवर देन के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे नॉमिनेटिव केस आएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, तो यहां पर देन आई हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हु आर यू, आप कौन हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रूल है। आई एम ए टीचर, तो आंसर कह रहा है कि प्रोफेशन बताया गया है। जब प्रोफेशन बताया जाएगा तो हु आर यू नहीं आएगा बल्कि आएगा व्हाट आर यू। हु आर यू अगर होता तो करेक्ट करते, यहां पर नाम पूछा जाता, तो यहां हम कर देंगे व्हाट आर यू। क्लियर। नेक्स्ट है, दोज हु आर वीक दे कैन नॉट फाइट, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। दोज हु जब लग जाएगा उसके बाद इस दे की जरूरत नहीं है। दोज हु आर वीक कॉमा कैन नॉट फाइट, तो अननेसेसरी हम जो है प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, जहां उसके बगैर काम चल जाता है तो वहां पर हम उसे नहीं यूज करेंगे। तो दोज हु आर वीक इसे हटा देंगे या मिटा दे रहे हैं, कैन नॉट फाइट केवल कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है, हु डू यू लाइक मोस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें हु की जगह पर हो जाएगा whom, whom do you like most? क्लियर है, इंटरेस्टिंग। आई मेट अ मैन, ये मैन से बात हो रही है, एंड हु कभी भी एंड और हु साथ नहीं आएंगे। आई मेट अ मैन एंड हट जाएगा, हु वाज ड्यू टू मी, और ये जरा सी कोशिश से करेक्ट हो जाएगा। आई सा अ बर्ड, फिर आया अ बर्ड, बट विच, कभी भी यहां पर ध्यान दें दो कंजंक्शन नहीं आएंगे। ध्यान रखिए ये दोनों एग्जाम्पल इसी रूल से हैं, कभी दो कंजंक्शन साथ नहीं आएंगे, बट नहीं, केवल आई सॉ अ बर्ड विच फ्लू अवे। 11 नंबर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आई एंड यू कभी भी नहीं आएगा, मैं और तुम, इंग्लिश में होता है यू एंड आई, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और बाद में सबसे फर्स्ट पर्सन, 231 रूल है। तो यहां पर आई और यू की जगह हो जाएगा यू एंड आई। क्लियर। नेक्स्ट है, हिज मदर दैट इज अफेक्शनेट इज इल, हिज मदर, तो यहां पर दैट की जगह आ जाएगा हु।
इसका रूल क्या है, जीवित व्यक्तियों के साथ हु का यूज करते हैं और जो अजीवित हैं मृत हैं उनके साथ हम विच का यूज करते हैं। दैट स्पेशल केस में दोनों में से किसी के साथ यूज किया जा सकता है। तो यहां पर सिंपल, हिज मदर हु इज अफेक्शनेट इज इट। अगला, हु डू यू थिंक आई मेट यस्टरडे, सेम होगा, होम डू यू थिंक, मैं किससे मिला, हु मीन्स है कौन, हुज मीन्स है किसका और हुम है किसको, तो मैं किसको मिला, तो यहां पे हम कर देंगे हुम। है ना मजेदार दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। नमस्कार।